हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक और नोटिस आ चुका है जिसमें कुछ लोग कैंडिडेट बोला है एग्ज़ाम में धांधली हो रहा है, लेकिन रेलवे भी नोटिस दे रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। अब एक्चुअल कारण क्या है हम घर बैठ के नहीं बता सकते, और सोशल मीडिया में रजाई के अंदर घुस के ट्वीट करने और किसी पे डालने से नहीं पता चलता। अब एग्जैक्ट क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, इसलिए मैं कहूँगा कि जो आरआरबी कह रहा है उस पे और जो लॉजिकल तत्व है उस पे विश्वास करनी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी क्वेरी है कि जिस आरआरबी में परीक्षा हो चुका उसका आंसर कि कब आएगा। तो देखिए, अगर अलग अलग आना होता तो अब तक आ जाता, क्योंकि अभी तक 12 आरआरसी का एग्ज़ाम हो चुका है, आरआरसी कह सकते हैं आरआरबी के जगह पे, 12 आरआरसी का एग्ज़ाम हो चुका है, 3 आरआरसी का प्रोग्रेस है, 4th आरआरसी हुबली या बंगलोर बचा हुआ है जिसका एग्ज़ाम शेड्यूल करीब करीब आज से आएगा। तो कुछ लोगों का शेड्यूल है कि इनका बंगलोर वाला डिले होगा क्या, वहाँ फ्लूड आ गया है। देखिए, बंगलोर में इतनी फ्लूड नहीं आती जितनी कि आपकी और स्टेटों में, जैसे आपकी पूर्वांचल में आता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में आता है कह सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि वहाँ पर फ्लूड होल्ड करता है। यहाँ पे फ्लूड का है, बारिश का है, तो थोड़ा ऐसा कुछ नहीं है। आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आज से ही शुरू होगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अभी भी आज डेट देखेंगे तो आज 20 है, 20 सितंबर है, और 8 तारीख में अभी भी 18 दिन बचे हुए हैं, 18 प्लस दिन कह सकते हैं बचे हुए हैं। 18 दिन नहीं, 10 दिन पहले नोटिस देना होता है, पहली शिफ्ट का तो 7-8 दिन ही बचे थे तो दिया गया था। तो अभी टाइम है, इस वीक में या अगले वीक की शुरुआत में आपके पास नोटिस आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम 8 तारीख से है। लेकिन हमें लगता है कि रेलवे थोड़ी सी मिस कर रहा है, जिस आरआरसी का एग्ज़ाम हो चुका है, परीक्षा हो चुका है, उसका आंसर की देना शुरू करना चाहिए था शुरुआत से, जिससे कि लोगों को कैंडिडेट का 2019 से 2022 का अंत आने जा रहा है, उनकी प्रोसेस आगे हो, कम से कम रिजल्ट पता चल जाए, उसके बाद पीईटी की तैयारी करे कैंडिडेट वगैरह वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा अच्छा रहता। लेकिन नोटिस कहाँ है, नोटिस के बारे में चलेंगे तो वेबसाइट पे चलेंगे भोपाल का, कैंडिडेट ने कई बार बता दिए हैं कि ये नोटिस आ चुका है 20 के डेट में, और ये आता जब भी है, जब कुछ ना लोग कंप्लेन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा धांधली है, और करना भी चाहिए। अगर कोई भी 1% या 0.1% भी गलत कर रहा है, अनफेयर कर रहा है, तो हर कैंडिडेट पर उसका इफेक्ट होता है, लेकिन अगर उसमें तथ्य होनी चाहिए तो इसको अगर देखेंगे तो रेलवे इसको निगलेक्ट कर रहा है या अस्वीकार कर रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे नोटिस रिगार्डिंग रिफ्यूटल ऑफ मीडिया न्यूज, मीडिया में न्यूज छप रहा है, खबरों में छप रहा है, उसके रिफ्यूटल कर रहा है, यानी डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, जिसमें कह रहा है कि एक पब्लिक 19 के एग्ज़ाम के बारे में 12 जून को हमसे सक्सेसफुल कर लिए हैं, और कह रहे हैं कि ये ऐसे प्रोटेक्शन में हो रहा है, रिप्यूटेड कंपनी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, सीसीटीवी और रैंडम कंप्यूटर बेस्ड लॉजिक पे पहले एग्ज़ाम सेंटर ही हुआ, एग्ज़ाम सेंटर में भी बायोमेट्रिक होने के बाद रैंडम सीट अलॉट होता है, ऐसा ऐसा कहना है आरआरबी के कारण, जिसके कारण से ऐसा नहीं हो सकता। और तीसरे नंबर पर कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर हाईली इनक्रिप्टेड फ्रॉम 256 बिट इनक्रिप्शन से, जिसके कारण से कैंडिडेट ही केवल एक्सेस कर सकता है क्वेश्चन को, वन कैंडिडेट डज नॉट सेकंड एंड फाइनल लॉग इन कंप्यूटर आफ्टर स्टार्ट वंस एग्जाम डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वेश्चन हैज बीन टेक प्लेस दी स्टेज, मतलब इसमें क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है, प्रश्न में भी कुछ नहीं किया जा सकता। उसके बाद बोल रहा है सिक्वेंस ऑफ क्वेश्चन भी हम बदल देते हैं, जिससे इधर उधर चेंज होते रहता है, एनी वन क्लेम करता है कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं आंसर की तो वो गलत है वगैरह, फाल्स स्टेटमेंट आपको दे रहा है। उसके अलावा भी सीसीटीवी से लगा हुआ है हर जगह, एंट्री एग्जिट कैंडिडेट पे, स्टाफ कंडक्टिंग एजेंसी भी उसको सिन्योर करती है वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा लिखा है। तो इसलिए आप इधर उधर की बातों पे विश्वास नहीं कीजिए, हर बार पब्लिश होता है और ये उल्टा पड़ जाता है। और एक नोटिस में यहाँ नया डेट मुझे भी दिख रहा है कि देखिए, नोटिस का ऊपर और ये नीचे बोर्ड का अलग, हालांकि ये दोनों एक जनरली सेम लाइन में ही रहता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस है, ऐसे ही बंगलोर का नोटिस सर्कुलेट कर रहे थे लोग। तो चलिए, अपडेट यही था दोनों अपडेट, लेकिन हमें लगता है कि आरआरबी को इस पे ध्यान देना चाहिए, जिस आरआरसी का एग्ज़ाम हो चुका है उनका आंसर की दे देते तो कैंडिडेट को पीईटी की तैयारी करने में अच्छा होता, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट में, जिसमें 3 गुना कैंडिडेट जाने हैं एक रिजल्ट के अनुसार। थैंक यू, धन्यवाद।